तो यार आप जानते ही होंगे कि अगर आप विंडोज 10 को डाउनलोड करते हैं ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, तो वो आपको एंटरप्राइज एडिशन देते हैं। एंड अगर हम बात करें ऑफिस एप्स की, तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है साइट पर। पर आज की वीडियो में हम इन सभी प्रोडक्ट्स को ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अब आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है विंडोज ISO डाउनलोडर। इस साइडॉक वाली लिंक पर क्लिक करो एंड देन यहाँ पर क्लिक करो और सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, उसे ओपन कर लो। और हाँ, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल सा इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का। तो अब मुझे विंडोज 10 का लेटेस्ट वर्जन प्रो एडिशन में चाहिए, तो जस्ट क्लिक ऑन विंडोज 10 एंड सिलेक्ट एडिशन। अब यहाँ इस सॉफ्टवेयर का बेस्ट फीचर आता है कि इसमें विंडोज 10 का सबसे पहला एडिशन भी अवेलेबल है, मींस कि फर्स्ट से लेके अब तक के सारे एडिशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब सिलेक्ट करो विंडोज 10 22H2 Home/Pro वर्जन, और हाँ इसी में विंडोज 11 का भी एडिशन है। तो अब एडिशन सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म करो एंड प्रोडक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश इंटरनेशनल करो। अब यहाँ से बिट सिलेक्ट कर लो, मैं कॉपी लिंक पर 64 बिट सिलेक्ट करूंगा। और अब इसकी लिंक कॉपी हो चुकी है, अब आपको अपने ब्राउजर में जाके जस्ट पेस्ट एंड गो करना है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अगर आप जरा नोटिस करेंगे तो यहाँ पर microsoft.com लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड होगी। चलिए विंडोज 10 तो बहुत हो गई, अब आते हैं ऑफिस पर। तो उसके लिए आपको ऑफिस टैब में आना है और यहाँ से ऑफिस सिलेक्ट करना है। और हाँ, यहाँ पर मैक के लिए भी ऑफिस अवेलेबल है। मैं 2019 सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडिशन में प्रोफेशनल प्लस सिलेक्ट करना है एंड लैंग्वेज में इंग्लिश US। एंड फिर से इसके लिंक को कॉपी कर लो यहाँ से एंड पेस्ट करो ब्राउजर में, और फिर से आपको microsoft.com मिलेगा। तो यह एक सॉफ्टवेयर जहाँ पर आपको विंडोज प्रोडक्ट्स ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की साइट से मिल सकते हैं। आई होप ये वीडियो और ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आया होगा, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude.